काफी टेंशन में है, काफी कंफ्यूज है कि चल क्या रहा है? यार मिशन नहीं है, बट बस लैपटॉप लेके बैठी है, गूगल कर रही है कायनात शाह गाजी, ट्राइंग टू फिगर आउट कि उसकी कितनी इन्फॉर्मेशन सच है नहीं है. सो उसको सब पता चलता है कि यू नो वो एक नहीं, उसने दो मर्डर किए हैं. एंड वहाँ पर वो सब पढ़ रही है कि क्या है, शाह मंजिल दिखता है. तो शी इज़ लाइक, शाह मंजिल तो वही है जहाँ एक दिन मैं चली गई थी चलते चलते. तो उसको ऐसा लगता है कि शायद सारे जवाब मुझे वहीं पर मिलेंगे. सो ऑफकोर्स अभी दिस इज़ अ पॉइंट जब सल्तनत खुद को अभी कायनात शाह गाजी मानने लगी है. शी इज़ लाइक कि आई एम कायनात, आई एम अ मर्डरर, और मैंने दो लोगों का खून किया है. सो दैट्स अ बिग ट्विस्ट. सल्तनत जहाँ अपनी आदत को बैठी है, कशीर बन चुकी है, तो कायनात का इतना रिसर्च वगैरह करने का पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि इसके पहले माधव ने उसको बोला कि तुम कायनात हो और तुमने ना दो लोग, एक तुमने मेरी बहन को मारा है. सो ऑब्वियसली उसको यकीन नहीं होता है कि ऐसा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि बट अगेन ये अपनी आदाश भूल चुकी है, तो उसको पता ही नहीं है कि ये सच है नहीं है, तो इसलिए वो ये सब करती है. मॉर्निंग में ये भी देखा गया कि कशीर गायब हो गई है, सिर्फ एक बैंड रखा हुआ है उनका. नहीं नहीं, गायब नहीं हुई, मैं रूम में ही हूँ, मैं घर में ही हूँ, मैं सोई हूँ. नहीं, वहाँ पे सीन हुआ है हमने, उसको ऐसा लगा, बट व्हेन ही कम्स हियर माधव देखता है तो मैं सोई हुई हूँ क्रिश के साथ. So, और कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स, बिकॉज सल्तनत अपनी सच्चाई ढूंढने जा रही है अभी, जो उनको पता भी नहीं है. अभी वो जाएगी शाह मंजिल, क्योंकि उसको लगता है कि सारे उसके आंसर्स शाह मंजिल में मिलेंगे. तो अभी देखते हैं कि शाह मंजिल में आती तो क्या होता है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. कशीर गायब हो गई है, सिर्फ उनका बैंड है रूम में, क्या चल रहा है? हाँ, वो रात को उन्होंने उतार के बेड के पास रखा था, तब माधव ने देखा और वो समझा कि सोने के टाइम उतारा होगा, वापस पहन लेगी क्योंकि कृष्ण ने गिफ्ट दिया है. तो बट नेक्स्ट डे कृष ही भागा भागा आता है कि बैंड पड़ा है लेकिन कशिश नहीं है. सो हाँ, पता तो नहीं है कहाँ पे गई है, बट ऐसा लग रहा है कि शाह मंजिल गई होगी, क्योंकि बार बार वहीं चली जाती है वो. माधव ने भी कुछ एलिगेशंस लगाए हैं कशिश पे कि वो कायनात है और उन्होंने मर्डर किया है. हाँ, वो सुबह सीन किया था कि उसे सब कुछ सच जानना था. सो वो बहुत कह रही थी माधव को कि मुझे सच नहीं बता रहे हो, और ये भी बोल रहे हो कि मैं गुनहगार हूँ. सो बहुत कुछ बोलने और उसके बाद में माधव थोड़ा गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि आज मैं बता ही देता हूँ तुम्हें सच. सो वो उसे बता देता है कि उसने उसकी बहन को मारा था. तो अब क्या आप जाएंगे शाम में उनको कशिश को ढूंढने के लिए? हाँ, अब पता है कि शाह मंजिल ही गई होगी, बिकॉज ही कुड फिगर आउट कि उसे वहीं जाकर सब कुछ याद आएगा, अब जबकि उसको ये भी बता दिया है कि तुम कायनात हो. तो वो जा रहा है उसके पीछे उसे ढूंढने. थैंक यू सो मच.